Is the screen visible to all of us? Can I please get a thumbs up so that I know you can see the screen? Okay, Bhumi can see it. Great. Thank you, Bhumi. Arnav, Disha, right? Okay, Arnav, Ishika. Fine. Thank you. So I'll just play the video. There are no words in it. Just watch it, okay?
right. So that was the story. So can anyone share what the story was all about? Bhumi? Yes, ma'am. Isme wo jo boy tha, wo chal nahi pa sakta tha. To usne koshish ki, wo baar baar pakad ke chalta tha. कोशिश करता रहा और जब उससे नहीं हो पाया उसने फिर भी कोशिश करी, हार नहीं मानी, तो एंड में वो चल पाया. ओके, सो एंड में ही कुड स्टार्ट वॉकिंग. ऑलराइट, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर एनी अदर थिंग? ओके, योहान्स. मैम, उस स्टोरी में एक यंग बॉय था जो चल नहीं सकता था, पर वो बहुत ही प्रैक्टिस करते रहता था. पर एक दिन एक्सीडेंटली जब उसने प्रैक्टिस की तो एकदम से उसने देखा कि वो चल पाया. फिर मैम वो चल पाने सका. ओके, सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? राशि, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर. राशि सिंह 5B. ग्रेसी मैम, मैं बताऊं? नो, जस्ट अ सेकंड योहान्स, आई वाज सेंडिंग इट टू ग्रेसी. यस ग्रेसी. यस मैम, इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. ओके, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. ग्रेट. इशिका मैम, नेवर गिव अप. राइट, वी शुड नेवर गिव अप. राइट, सो डेफिनेटली वी ऑल हैव लर्न द सेम लेसन फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड नेवर गिव अप. बट नाउ द पॉइंट फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी गिव अप, व्हाई डू वी स्टार्ट गिविंग अप. थिंक, क्या रीजंस होंगे जिस वजह से हम गिव अप करना शुरू करते हैं? अनव मैम, हम कर नहीं पा रहे होते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, जब भी हम नहीं कर पा रहे होते तो हमें मन करता है कि हम गिव अप करते. राइट, तो कहीं ना कहीं हम अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास खो रहे होते हैं. यस. व्हाट एल्स कुड बी द रीजन जब हम अपना विश्वास नहीं रखते अपने पे? व्हेन वी डोंट बिलीव आवरसेल्फ, व्हेन वी आर डाउटिंग आवर कॉन्फिडेंस एज वेल, वी स्टार्ट गिविंग अप. What else could be the reason? Socho, aur kya reasons honge jab hum give up karte hain? Arnav? No one answered. Are there two Arnavs or one? Yeah, there are two. Ma'am? Hmm. Usse paise rakhe. Yes, ma'am? You're raising your hand to answer. Please answer. Ma'am, hum isliye give up kar dete hain kyunki कुछ चीज हमें आ नहीं रही होती है, तो हम उससे परेशान होकर मैम हम बोल देते हैं हम नहीं कर रहे और इससे हमसे नहीं हो पा रहा. ओके, तो चीजें हमें आ नहीं रही होती तो हम बोल सकते हैं कि हम उनसे घबरा जाते हैं. We start fearing. Yes, ma'am. All right. भूमि मैम, हम जैसे कोई काम करते हैं बहुत प्रैक्टिस करते हैं फिर भी नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि अब तो हो नहीं रहा, चलो इसे छोड़ो. और मैम बहुत लोग भी कहते हैं कि तेरे से नहीं हो रहा या फिर आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ दो इस काम को, इसलिए हमें फिर फोर्स होता है हम पे, तो इसलिए हम छोड़ देते हैं. Okay, so which means कि when people also say कि नहीं होगा, so we start trusting what others are saying and this pressurizes us and as a result we leave. Okay, तो लोग हमारे को क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं हम उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच डेफिनेटली वी स्टार्ट गिविंग अप. इशिका मैम, जब मैम जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं मैम वैसा नहीं मिलता तो मैम हम गिव अप कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा ये. राइट, जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं तो डेफिनेटली हम गिव अप कर देते हैं ये सोच के कि हमसे नहीं होगा. सो ट्रू. अब जब हम गिव अप कर देते हैं ना तो इसका हमारे पे क्या असर होता है, क्या असर आएगा अगर हम गिव अप ही करते जाएंगे तो? Okay, there are three Arnavs in the class. Disha?
मैम फिर हमें कुछ नहीं आएगा। फिर हमें कुछ नहीं आएगा, राइट। फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे और हमसे कुछ होगा भी नहीं, है ना? यस मैम। ओके अर्णव भार्गव। मैम जिसे हमने गिव अप किया है फिर हम वो फिर हम सीख नहीं पाएंगे, फिर वो हम नहीं पाएंगे, राइट। हम स्किल नहीं सीख पाएंगे, सो ट्रू। ग्रेसी। यस मैम सेम आंसर। एंड मैम जैसे मैम मेरे पापा थोड़ी बड़ी साइकिल ले आए थे मेरे हिसाब से, तो फिर मैम मैं उसको चलाने की कोशिश करती थी पर मैम मैं गिर जाती थी, तो फिर मैम मैंने गिव अप कर दिया था। मैम अब मैं सोच रही हूँ कि उसको दोबारा से मतलब चलाना स्टार्ट करूँ। नाउ दैट्स नाइस Gracie for telling your story, and it's amazing that video could change you and you want to try again. That's amazing. तो अगर आपने लर्निंग ले ही ली तो इट्स आई मीन उससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। डू इम्प्लीमेंट, दैट्स नाइस। ओके अक्षिता। यस मैम, मैम हमें भी मैम हमारी साइकिल थोड़ी बड़ी थी, हमें चलाने में थोड़ा डर लगता था, लेकिन हमने एक बार हमारी बुआ ने कहा कि एक बार खुद राउंड लगा के, हमें पहले डर लग रहा था लेकिन हमने जब लगाया तो हमने चलानी सीख ली। ओके नाइस दैट यू डिडंट गिव अप एंड यू लर्नड इट फाइनली। अरहम। यस मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। सेम स्टोरी मेरे साथ थी मैम। मैम मेरे भी पापा साइकिल लाए थे मेरे लिए, तो मैम वो क्या था ना, मैं बड़ी थी साइकिल छोटी थी तो मैं उसको ठीक से चला नहीं पा रही थी, है ना मैम। तो मैंने पहले तो गिव अप कर दिया, तो मैम फिर उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई करा उसको चलाने के लिए। ओके एंड देन व्हाट हैपेंड जब दोबारा ट्राई किया तो? मैम दोबारा ट्राई किया था मैम, दो तीन दिन मैं गिरती रही मैम, मैम फिर मुझे प्रैक्टिस हो गई मैम। ओके व्हाट्स योर नेम? अपना नेम बताओ। ओ यू म्यूटेड अगेन। या मैम अरायना। अरायना या आई विल जस्ट चेंज इट, ठीक है? यस मैम। स्पेयर मी इफ द स्पेलिंग्स आर रॉन्ग। ओके राइट डेफिनेटली। तो अगर आपने कभी नोटिस किया ये चीज कि जब हम गिव अप करते हैं तो हम डर जाते हैं, हम इस वजह से गिव अप जब कर देते हैं तो उसका इफेक्ट हम पर ये भी आता है कि हम कोई चीज सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ये बैठ जाता है कि हमसे नहीं होगा। तो लेट्स से अगर मैं ये साइकिल वाला एग्जांपल लूँ, अगर मैंने साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में सोच लिया मैं नहीं कर पाऊंगी तो ऐसे ही और भी कुछ डिफिकल्ट चैलेंजेस आते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे मैं हर चीज के लिए यही सोचती जाऊंगी और मैं कभी एक्शन ही नहीं लूंगी, कभी ट्राई नहीं करूंगी। तो जो मेरा माइंड है या मेरा माइंडसेट है वो क्या हो जाएगा, मेरा अपने से विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा एंड आई विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग कि सब क्या कर रहे हैं मैं भी वही करूं क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जो आपका माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है। अब ऑन द अदर साइड आप ये सोचो कि अगर आप गिव अप नहीं करते तो उसका असर आप पर क्या आता है, अगर हम गिव अप नहीं करते तो उसका क्या असर आएगा हम पे? भूमि। मैम अगर हम कुछ चीज करते हैं उसके बाद हमें फिर अगर और भी हार्ड चीज आती है तो हम कोशिश करते हैं फिर हम वो भी कर पाते हैं। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक बार कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि हम कुछ कर पाए, वी गो अहेड विद अदर थिंग्स आल्सो, तो विच मींस कि हमारे पे जो कॉन्फिडेंस है, जो बिलीफ है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। यस मैम, और हम सोचते हैं अगर हम वो कर, हमने पिछला वाला काम कर लिया था जैसे कि मैंने वो कर लिया था तो अब हम ये भी कर सकते हैं। Definitely. तो ये हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है और बाकी चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी हेल्प करता है। सो डेफिनेटली जब हम गिव अप नहीं करते और आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं उस चीज को, तो जो लर्निंग हमें उससे मिलती है वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती है टू फेस मोर चैलेंजेस इन लाइफ, और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बिलीव हमारे पे बढ़ता जाता है और हम हर चीज करने की कोशिश करते हैं, हम डर कर घबरा कर नहीं बैठ जाते हैं। ओके Now, think what can we do? हम क्या कर सकते हैं ताकि हम give up ना करें? हमें क्या करना चाहिए so that we don't give up? What should we do? Arnav? Then practice. Yes, we should definitely practice.
What else can anyone think of? Harsh? Yes, ma'am. क्या करना चाहिए कि हम कभी गिव अप ना करें? मैम हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए. राइट, हमें कोशिश करनी चाहिए. सो ट्रू. हार भी नहीं माननी चाहिए. हाँ, हमें हार भी नहीं माननी चाहिए. वेरी. यस मैम. या व्हाट इज योर आंसर फॉर इट? मैम हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए. इसके अलावा सोचो, हार नहीं माननी, कोशिश करनी है, और क्या सोचो, और क्या मैम? अगर तो हम कहते हैं कि दर्द हो रहा है, तो अगर हम दर्द तो हम कोशिश करेंगे तो फिर हमें दर्द नहीं होगा. हम तो इसका मतलब मुझे उससे पहले अपनी सोच भी तो बदलनी है ना कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. यस मैम. अभी तो मैं कोशिश करूंगी. यस मैम. यस मैम. एक्शन से पहले आपको अपनी सोच पे काम करना है, अपने पे विश्वास करना है कि आप कर सकते हो, आप कर पाओगे. ओके, कि आपको ट्राई करके देखना है. सो चेंजिंग योर थॉट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एफर्ट डालना इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली है, बट उसके साथ साथ अपनी सोच को बदलना भी इम्पोर्टेंट है. आयुष्मान मैम, मे आई गो टू वॉशरूम? यू डोंट हैव टू आस्क मी, यू कैन गो प्लीज. अर्णव मैम, अपने आप पर बिलीव रखना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वेरी ट्रू. अपने पे बिलीफ होना चाहिए और अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सो ट्रू. अरायना यस मैम, जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो मैम सबसे पहले हमें उसको टारगेट लगाना चाहिए कि हम उसको कितने टाइम में कर सकते हैं. राइट, तो हमें बेसिकली गोल सेटिंग करना चाहिए कि हम yes, कैसे ma'am. कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं. ओके okay, यस yes. So yes, if you have your goals being set, definitely you will not give up. क्योंकि goal क्या है, आप छोटे छोटे steps चलते जाओगे उस चीज को पाने के लिए. तो जैसे जैसे आप step आगे बढ़ते जाओगे, आपका belief, आपका confidence और बढ़ता जाएगा. और उससे भी important चीज जो आप सबने कही थी कि हम give up कभी कभी इसीलिए भी करते हैं कि हमें कोई कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे. तो यानी कि अगर मुझे give up नहीं करना, तो लोग अगर कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मुझे उस चीज को भी अवॉइड करना है, सुनना या किसी की बात में नहीं आना, खुद ट्राई करके देखना है कि क्या होगा या नहीं होगा. नहीं होगा तो फाइंड आउट द रीजन, क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वर्क ऑन दैट रीजन. ओके, ऑलराइट. तो अगर मुझे कुछ भी अचीव करना है तो इट मींस कि मुझे कभी गिव अप नहीं करना. अगर मुझे गिव अप नहीं करना तो मुझ में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि मैं ये जो स्किल है नेवर गिविंग अप, इसे और ज्यादा अपने अंदर बिल्ड कर सकूं, स्ट्रेंथन कर सकूं. व्हाट क्वालिटीज शुड आई हैव? भूमि, आई हैव सीन योर हैंड रेज, गिव मी अ मिनट, आई वांट टू गिव अदर्स चांस फर्स्ट. ओके शौर्य, प्लीज अनम्यूट. Shaurya Gupta, please unmute. The prompt is sent to you. Yes, ma'am. हाँ जी. बेटा क्या qualities होनी चाहिए हमारे में कि हम give up नहीं करें और इस skill को और strong करें, अपने अंदर strengthen करें? Ma'am, we should not give up because quality सोचो. आप में क्या quality होनी चाहिए जो आपको help करेगी गिव अप ना करने में? क्या करना चाहिए सोचो. गिव अप करने के लिए, अगर हम गिव अप नहीं करना तो क्या करना चाहिए? क्या करोगे? इरादा. क्या करोगे मैम? इरादा होना चाहिए कि हमको गिव अप नहीं करना. राइट, इरादा होना चाहिए. सो व्हाट डू वी से इरादा इन इंग्लिश? इट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव. इज दैट व्हाट वी से? ओके,
तो विच मीन्स कि अगर मैंने मन में ठान लिया है कि मुझे करना है, सो देन आई शुड डू इट. सो विच मीन्स वॉट, आई शुड बी हेड स्ट्रॉन्ग. ओके, कि मुझे करना है. सो यस, यू शुड बी हेड स्ट्रॉन्ग इन डिसाइडिंग वॉट यू वॉन्ट टू डू. तो इरादा इज बिकमिंग हेड स्ट्रॉन्ग. ओके, राइट शौर्य. Okay, Aryan says if you keep on going and never stop, you can't keep on. One second, I'll have to open the chat. Okay. Okay, I got here from Aryan. We should try again and again till we don't take them. If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Okay, this is a poem that you've taken from somewhere. But it's a good message, Aryan, that it's sharing. And it's quite related to our context. Definitely. As the poem says, life is full of mountains. So every time you have to go and go and go. A mountain, a big jagah khade hoke, to of course, nahin paake sakte. So we have to go every time up, 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 up. So we will reach the top. So this is what it shows. So जब हम बोलते हैं कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, तो इसका मतलब होता है persistence. कि हमारे में persistence as a quality हो, हमें headstrong होना चाहिए, decide कर लेना चाहिए कि हमें ये करना है. Okay? और क्या quality होनी चाहिए? Enough. मैम हमें कुछ और बताना है. ओके मैम, कि हम क्यों गिव अप करते हैं मैम? जैसे मतलब अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं कि मतलब कोई और अगर हमें देखेगा तो वो मजाक उड़ाएगा कि हमसे ये भी नहीं हो रहा, तो हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए. तो ये फियर ऑफ जजमेंट है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, तब भी हम एक्शन नहीं लेते. ब्यूटीफुल पॉइंट है ना. ग्रेट भूमि. मैम सबसे पहले हम अपने मन में रखना चाहिए कि हमें सक्सेस होना है, हमें सक्सेस होना ही है. और फिर मैम अगर हम सोच रहे थे तो हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं. और मैम हमें जैसे हम कोई काम करना चाह रहे हैं और कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाए, तो मैम सबसे पहले हमें उसे प्रॉब्लम से लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए. Definitely. So, सबसे पहले, she said two things here. First, that our mindset should also be like कि हम कर सकते हैं, right? और हम कर पाएंगे. सो दिस बिलीफ शुड बी देयर विच इज आवर माइंडसेट. एंड अपार्ट फ्रॉम इट द प्रॉब्लम विल कम, सो टेक इट एज अ चैलेंज एंड मूव ऑन. कि ये प्रॉब्लम है, मुझे इसे सॉल्व करना है. ओके, ब्यूटीफुल पॉइंट भूमि. एंड अपार्ट फ्रॉम इट यू गॉट टू, इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हमने लर्न किया था पेशेंस. रिमेम्बर पेशेंस, गिव टाइम टू थिंग्स, इट टेक्स टाइम फॉर थिंग्स टू हैपन. तो जब हम टाइम देते हैं, हम चांस देते हैं खुद को और दूसरों को. सो दिस इज व्हाट इज नीडेड द मोस्ट. जब आप कोई चीज कर रहे हो जो मुश्किल है, आपको पेशेंस रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्शन तो आप लेते जाओगे, स्टेप तो आप ले रहे हो, बट साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना है. क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपने स्टेप लिया तो अभी रिजल्ट आएगा. इट मे टेक लिटिल टाइम एज वेल फॉर द रिजल्ट टू कम. सो यू गॉट टू हैव पेशेंस देन. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर नहीं कर पा रहे, कोई रीजन आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको समझो, सीखो कि क्यों नहीं अचीव कर पाए. सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज अनदर इम्पोर्टेंट स्किल दैट वी नीड टू हैव. या फिर एक अनदर क्वालिटी विच वी नीड टू हैव विच हेल्प्स अस टू मूव ऑन. ओके, नाउ आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू थिंक ऑफ अ फ्यू सिचुएशंस जब आपने कभी गिव अप नहीं किया था. Anyone wants to share any situation? Like two people had shared for their cycling experience, Gracie and Akshita. Anyone else wants to share any situation when you did not give up and aapko uske baad kaisa laga tha? Bhumi? Ma'am, jab main fourth class mein thi, to meri jo क्लास टीचर मैम थी, उन्होंने मेरे को एक वो दिया था, मैं वीडियो बनानी थी, मुझे फूड उसमें कुक करना था, मुझे कॉर्न सैंडविच बनाना था. ओके, तो मैम तो मुझसे बन नहीं रहा था, मैंने बहुत बार ट्राई किया था. तो फिर मैम मैंने मैम से कह दिया कि मैम मेरे से नहीं हो पा रहा. उसके बाद मैम मैंने फिर से प्रैक्टिस करी, मैंने 1-2 टाइम्स फिर से बनाया, तो मैम वो जब भी नहीं बना.
फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, सोचा किससे और क्या करूँ जिससे और इजी हो जाए और मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैम जब मैंने सोचा मुझे बहुत सारी ट्रिक्स आई, तो मैम मैंने फिर सैंडविच बनाया, तो मैम वो मेरे से इजीली बन गया जब मैंने मैम को वीडियो भेज दी बनाकर। वाओ, सो भूमि यू डिड वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर कि आपने समझने की कोशिश की कि क्यों नहीं बन पा रहा। You try to find out the reason and then the trick started coming. तो जब तक आपने ये नहीं सोचा था कि नहीं बन पा रहा और आप बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, तो ये ट्रिक्स आ रहे थे माइंड में? No. So see how beautiful it is कि जब हम ये सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, हम अपनी मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, that's where we get our mind working और हमें रास्ते दिखने शुरू होते हैं। Yes, so, of course, when you don't give up, you will definitely try to see what can be done to achieve it. तो अपनी mistakes से सीखते हुए आप आगे बढ़ते गए। That's a beautiful thing, Bhumi, that you've shared. Amazing. Thank you, ma'am. Araina? Araina, unmute, please. Yes, मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ मैम। तो मैंने कल भी एक स्पीच प्रिपेयर करी थी मैम, तो मैंने मैम पहले तो वो स्पीच बहुत लॉन्ग थी एंड मुझे 2 मिनट की वीडियो बनाती थी उसी स्पीच में है, तो मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे स्लो भी बोलना था, मुझे अंडरस्टैंडिंग भी करनी थी, तो मैं 2 मिनट की वीडियो नहीं बन रही थी। तो मैं थोड़ी सी करेक्शन करके उसमें थोड़ा सा छोटा करके उसको मुझे कम टाइम में मैंने लर्न करा हेलो मैम। तो मुझे उसकी वीडियो भी बना रही थी मैम, हेलो मैम मेरी तबीयत खराब थी कल रात को मैम, तो मुझे वीडियो भी बनानी थी मैम, लेकिन वो क्या है ना मैम छोटी थी तो मुझे लर्न नहीं हुई थी मैम, तो इसलिए मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा था मैम क्योंकि वो बहुत पेन हो गया था मैम, इसलिए मैम मैंने गिव अप नहीं करा, मैं उसको बोलती रही, वो हो गई वीडियो प्रिपेयर। सो यू डिड नॉट ओवर, यू ओवरकेम योर पेन व्हाट यू वर गोइंग थ्रू जस्ट टू गेट व्हाट यू वांटेड, दैट्स अमेजिंग, अगेन गुड स्टोरी। So see, she looks so happy after achieving it, huh? Yes, Arnav. Ma'am, अभी ये जो holidays हुई हैं, उसी की बात है कि हम ना मतलब वो holidays में कुछ सीखना चाहते थे, जैसे Rubik's Cube, cube सीखना चाहते थे, तो हमने फिर वीडियो देखी, तो फिर हम पहली बार में तो आए नहीं, तो फिर मैंने सोचा इतनी ज्यादा मुश्किल एल्गोरिथम्स मैं याद नहीं कर पाऊंगा, फिर मैंने और कोशिश की, फिर आखिर में फिर मैंने सोचा कि इसे क्यों ना छोटा कर देते हैं, हाँ तो फिर मैंने इन्हें छोटा करके वापस फिर लर्न किया, फिर हुआ मेरे। Wow. So which means कि जब तक आप उसको बड़ा देख रहे थे वो नहीं कर रहे थे, जब आप उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना शुरू हुए, you could do it. Right? So wow. So see, one way not to give up is जब आपको कोई चीज बहुत बड़ी दिख रही है ना, मुश्किल दिख रही है, उसको छोटा करो, उसको small steps बनाओ कि सबसे पहले क्या करूं, इसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या करूं, this is known as goal setting. So अगर आप ऐसे कर पाओगे, you will definitely be able to achieve what you want. Beautiful story and learning enough. Gracie? Yes, ma'am. मैम कुछ दिन पहले हमें कविता सुनानी थी डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल जी के ऊपर, तो फिर मैम मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी बिकॉज मैम वो लाइव सुनानी थी सर के सामने, बट मैम मैंने सुना दी थी। वाओ, सो सी जब आप नर्वस हो रहे थे तो यू वर फाइटिंग योर नर्वसनेस कि मैं कर सकती हूँ, राइट, दैट वन थॉट चेंज्ड इट एंड यू डिड इट, राइट। तो कभी अगर आप नर्वस हो ना, आप नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, उस थॉट को ही बदलो, पूछो क्यों नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होता, बीच में रुक जाते, अटक जाते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता ना, भूल जाते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि अच्छे से बोल दो, राइट। सो अगर आप अपने आप से ये सेल्फ टॉक करो ताकि आप अपनी नर्वसनेस से समझ सको कि क्यों नर्वस हो रहे हो, तो वो डर को समझ सको कि क्या रीजन है जो आप डर रहे हो, और अगर वो डर खत्म करना है तो उसको समझना पड़ता है। सो अंडरस्टैंड व्हाई यू आर स्केर्ड, व्हाई यू आर नर्वस एंड व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, सो फाइन यही होगा ना, कोई बात नहीं, बट व्हाट इफ आई ट्राई, ये भी हो सकता है कि ना हो, है ना। सो दैट्स हाउ यू हैव अ सेल्फ टॉक विद योर सेल्फ, ग्रेट थिंग ग्रेसी अगेन। यस अक्षता,
मैम कल हमें ना एक पोयम याद करनी थी इंग्लिश में। हमने एक बार पोयम पढ़ ली, हमें थोड़ी बहुत तो याद हो गई, लेकिन हमें हमारे पापा का काम भी दिया था, पापा ने वो भी करना था। तो हमने ये करा कि पहले हम तो हमने पोयम बड़ी थी तो हमने से थोड़ा छोटे पोयम का एक बार हमें बोला नहीं जाता तो हमने उसका ट्रांसलेट उसको उसका मीनिंग दूसरा निकाल के बोला, तो हमें वो याद भी हो गई, पापा का काम भी कर दिया हमने। Wow, so see, जो डिफिकल्ट सी चीज लग रही थी, यू ट्राई टू हैंडल इट बाय सिंपलीफाइंग इट अ बिट सो दैट यू कैन डू, सो दैट्स अमेजिंग, ग्रेट। सो दीज वर वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज दैट हाउ यू ओवरकेम योर पॉइंट कि गिव अप हम करने वाले थे एंड स्टिल वी डिड नॉट डू इट बिकॉज ईदर वी लुक्ड फॉर वेज कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करें या हम उसको छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें या फिर हम बिग पिक्चर देखें कि क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करें। सो दोज वर अमेजिंग स्टोरीज एंड आई हैव वन मोर स्टोरी टू शेयर विद यू। आर यू अवेयर ऑफ दिस पर्सन नेम थॉमस एल्वा एडिसन? नाम सुना है इसका? हु इज ही? ओके अंशुमन। मैं बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। मैंने क्या किया था मैम? बल्ब का आविष्कार किया था। Definitely. Right. Yes. It was bulb, not electricity. Electricity is the other. Okay. So definitely, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और आपको पता है इन्होंने 200 ट्रायल्स किए थे सिर्फ ये समझने के लिए कि मैं बल्ब के अंदर किस चीज का फिलामेंट बनाऊं ताकि वो ग्लो करे। 200 एक्सपेरिमेंट्स ही डिड and 200th time he got the result. But you know what? He's called as a genius. But you know, school mein unke saath kya hua tha? He used to go to a school. One day, a teacher gave a letter to him and said, give this to your mother. Apni mama ko dena ye letter. Usne khol ke bhi nahi dekha, ghar jaake mama ko de diya. Mama, ma'am ne ye letter diya aapke liye. Aur jab uski mama wo letter kholti hai, padhti hai, रोने लग जाती है। अब एडिसन तो इधर उधर प्ले कर रहा है, वो जैसे ही देखता है मम्मा रो रही है, वो आके पूछता है मम्मा क्या हुआ, क्या लिखा लेटर में? तो उसकी मम्मा कहती है स्माइल करके कि लेटर में लिखा है कि योर सन इज अ जीनियस, वो बहुत जीनियस है, वो बहुत शार्प बच्चा है, हमारे पास स्कूल में इतने रिसोर्सेज नहीं है और ना इतने टीचर्स हैं कि हम उसके टैलेंट को ग्रो करने में हेल्प कर सकें, तो प्लीज आप उसे खुद अपने घर पे पढ़ाओ। सो द चाइल्ड इज हैप्पी। अब आफ्टर फ्यू इयर्स जब वो साइंटिस्ट बन जाता है, जब वो जीनियस कहला जाता है, बल्ब को इन्वेंट कर लेता है, तो अपना एक दिन ऐसे ही टेबल क्लीन कर रहा होता है और उसको ड्रॉअर में एक पुराना सा वो लेटर मिलता है और वो लेटर उसकी टीचर ने लिखा होता है और उस लेटर को जब वो खोल के पढ़ता है उसमें लिखा होता है कि आपका बेटा मेंटली इल है, उसे कुछ नहीं समझ आता, उसे स्कूल ना भेजे। तो अगर उसकी मम्मा ने उसकी टीचर की ये बात मान ली होती, क्या हमारे पास थॉमस एल्वा एडिसन जैसा कभी जीनियस आता या कभी बल्ब आता? गिव मी अ थम्स अप फॉर यस एंड गिव मी अ थम्स डाउन फॉर नो। आता भूमि, अगर उसकी मम्मा मान लेती कि उसकी मैम कह रही है कि आपका बेटा पागल है, उसे स्कूल मत भेजें। इशिका सेज नो, अर्णव सेज नो, ओके, बोथ द अर्णव रादर, अंशुमन सेज यस। अंशुमन सोचो, अगर मैं मान लूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती तो क्या मैं अचीव कर सकती हूँ कुछ? प्लीज थिंक अगेन। तनिष्का सेज नो, अक्षता सेज नो, ग्रेट। तो उसकी मम्मा ने बात नहीं मानी थी उसकी टीचर की, रादर उसको बोला था कि आप जीनियस हो और उसकी मम्मा ने यही थॉट उसके माइंड में हमेशा इंकल्केट किया था एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही एक्चुअली बिकेम अ जीनियस। सो फ्रॉम दिस स्टोरी आई जस्ट वॉन्ट टू टेल वन थिंग टू यू, हम सब में कोई ना कोई जीनियस होता है, सिर्फ प्रॉब्लम आता है कि हम डर जाते हैं या हम किसी की बात में आ जाते हैं और अपना बिलीफ खोर देते हैं कि हम नहीं कर सकते। कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप, बिकॉज जो आपको कह रहा है ना आप नहीं कर सकते, वो खुद नहीं कर सकते, तो
तो उन्हें लगता है आप नहीं कर सकते, बट वी ऑल आर डिफरेंट। सो किसी की बात मानने से पहले अपने पे विश्वास करें कि आप कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये याद रखना कि सक्सेस का मतलब आउटकम नहीं है, जो जर्नी जो स्टेप्स आप लेते हो वो सक्सेस है। आउटकम आएगा या नहीं वो नहीं पता, नहीं आएगा तो हम रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो हमारी सक्सेस है, क्योंकि अगर हम स्टेप लेते ही नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ते, राइट। सो विद दिस वी वाइंड अप विद टुडेज सेशन एंड आई जस्ट शेयर द होमवर्क विद यू। You have to read page 46 and do page 43 and 47 of your book. So, see you all. Have a nice day. Bye.